हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। स्मगलिंग कर चीन भेजे जा रहे थे 5 लाख मास्क, 950 पीपीई किट कस्टम ने कर लिया है जब्त। देश में इस वक्त इस महामारी का महासंकट चल रहा है। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए देश में मेडिकल सामान की खासा जरूरत है, लेकिन इसी बीच कई लोग इस मजबूरी का फायदा उठाने में लगे हैं। राजधानी दिल्ली में कस्टम की टीम ने बड़ी संख्या में मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट को जब्त किया है। इन सभी को चोरी छिपे विदेश ले जाया जा रहा था, लेकिन कस्टम ने ऐसा करने वालों की सोच पर ही पानी फेर दिया। दिल्ली कस्टम की एयर कार्गो को इसके बारे में इनपुट मिला था, जिसके बाद एक शिपमेंट को ट्रैक किया गया। इस शिपमेंट में करीब 5.08 लाख मास्क, 57 लीटर सैनिटाइजर यानी करीब 950 बोतल और 950 पीपीई किट को जब्त किया गया है। कस्टम ने ये सारा सामान नई दिल्ली के कुरियर टर्मिनल पर जब्त किया। बताया जा रहा है कि ये सारा सामान चीन भेजा जा रहा है। इस सामान के अलावा कस्टम की ओर से 2480 किलो का रॉ मटेरियल भी जब्त किया गया, जो चीन भेजा जा रहा था। अब इस मामले की जांच की जा रही है और खोजा जा रहा है कि आखिर ये सामान कौन विदेश में भेज रहा था। बता दें कि देश में इस वक्त इस महामारी की संकट है, ऐसे में भारत सरकार की ओर से काफी मेडिकल के सामान के एक्सपोर्ट करने पर रोक लगाई गई है। सरकार ने 19 मार्च को इन सामान के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी। इनमें सैनिटाइजर मास्क भी शामिल है। वही इस संकट की वजह से अब भारत में ही N95 मास्क और पीपीई किट को बनाने का काम जारी है। इस महामारी से लड़ाई के लिए इन सभी सामान का काफी अहम रोल है। ऐसे में इनका किसी भी तरह चोरी छिपे एक्सपोर्ट करना एक बड़ा अपराध है। इस महामारी के संकट के बीच दिल्ली के एयरपोर्ट से मेडिकल का सामान बड़ी मात्रा में चीन स्मगलिंग किया जा रहा था। इनपुट के आधार पर दिल्ली कस्टम की टीम ने इस सामान को जब्त किया। भारत में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेश की सोच रहे हैं। भारत में इतनी दिक्कत है, इस महामारी के दौर पे ये सब सामान की अकाल पड़ी हुई है, फिर भी कुछ लोग घुसपैठ हैं जो चीन ये सब सामान को भेज रहे हैं। और चीन विश्व में एक ऐसा देश है जो अभी सारे देश को कमजोर बनाने पर तुला हुआ है।